भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपलब्धियों का हैंडआउट जारी किया। इस हैंडआउट में केंद्रीय मंत्री एवं उधमपुर कठुआ डोडा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मोदी सरकार 2 में पहले साल की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी दी गई। हैंडआउट का लोकार्पण करने के मौके पर भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व MLC गिरदारी लाल रैना, पार्टी के प्रोग्राम इंचार्ज अजय परगाल, मीडिया सचिव डॉक्टर प्रदीप महोत्रा व भाजपा कार्यकारी कमेटी के सदस्य भरत शर्मा समेत अन्य नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र से माननीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा किए गए विकास कार्यों का पत्रक आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उसको रिलीज किया गया। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो 2014 से लेकर 2019 तक जो उनका पहला टेन्योर था एज ए मेंबर पार्लियामेंट, उसके अंदर उन्होंने लाजवाब काम किए, बेहतरीन कार्य किए और उसी परिप्रेक्ष्य में जब 2019 में दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो पहले से भी भारी मतों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की प्रचंड विजय हुई और 2019-20 में जो दूसरे कार्यकाल का प्रथम सफलतम वर्ष रहा नरेंद्र मोदी साहब की सरकार का, इसी कार्यकाल में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी अतुलनीय कार्य अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर किए। यहां दशकों से पड़ी मां शाहपुर कंडी जो मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और उच्च मल्टीपर्पज ये जो योजनाएं हैं पिछले 60 सालों से लंबित थी। पंजाब की सरकार तो इस समझौता करने के लिए तैयार थी लेकिन जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP की सरकारों ने इन प्रोजेक्टों को कभी भी लागू नहीं होने दिया, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से अब इन दोनों बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल गई। वो सड़कों का कार्य हो, इंडिया घंटियाल जैसा ऐतिहासिक ब्रिज बनाने का काम हो या दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो भूल अनास के अंदर बन रहा है रियासी जिले में, ऐसे अनेकानेक कार्य, टनलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण, एम्स का निर्माण, IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने दिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत लाभ हुआ है और विशेषकर जो उनका संसदीय क्षेत्र है उधमपुर कठुआ डोडा संसदीय क्षेत्र, इस सारे क्षेत्र में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के प्रयासों से हर गांव के अंदर और हर शहर में आज विकास कार्य चल रहे हैं। देविका नदी जैसा बहुत पवित्र स्थान जिनको मां गंगा जी के समान जिनकी मान्यता है, जनमानस में देविका नदी जो उधमपुर जिले से निकलती हैं और कठुआ जिले में आके समाप्त होती हैं, उनकी मान्यता, उनके प्रति समाज में श्रद्धा गंगा मैया के समान है और वो एक विशालतम कार्य डॉक्टर साहब के प्रयासों से शुरू हुआ। अनेकों प्रकार के टनल्स, बॉर्डर के ऊपर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स, बायोटेक पार्क्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हाई सेकेंडरी स्कूल्स, इन तमाम क्षेत्रों के अंदर बड़े पैमाने पर किए गए।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के प्रयासों से जम्मू कश्मीर के हर उन जटिल मुद्दों का भी समाधान हुआ है जो पिछले कई सालों से, कई दशकों से यहां पेंडिंग पड़े थे। विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने का काम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने किया है और लाजवाब तरीके से संसद के अंदर जम्मू कश्मीर के विषयों को बाखूबी रखा और देश दुश्मन शक्तियों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब तर्क और वितर्क के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ने किया है। मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मूल मंत्र को अपनाते हुए जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति की चिंता की है, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, पहाड़ का हो, मैदान का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति की चिंता की है। राष्ट्र निर्माण में जो राष्ट्रवादी शक्तियों का हौसला हमेशा डॉक्टर साहब ने बुलंद किया है, हमें गर्व है डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब पर। और मैं दिल की गहराइयों से उधमपुर, कठुआ, डोडा की जनता को बधाई देता हूं कि इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो पिछले 70 सालों के अंदर नहीं हो पाए और जिसकी लगातार डिमांड जम्मू कश्मीर की जनता कर रही थी, वो सभी कार्य आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब के प्रयास के बाद वो शुरू हो चुके हैं। आने वाले सालों में ये सभी कार्य पूरे होंगे, जल्द पूरे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और मैं उम्मीद करता हूं विकास की यह धारा, डेवलपमेंट की यह कड़ी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी और जम्मू कश्मीर की जनता को आने वाले सालों में मोदी सरकार से जो जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरी करेंगे और उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब अहम भूमिका अदा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने लाजवाब काम इन 6 सालों के अंदर अपने संसदीय क्षेत्र में और जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं।